वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल गर्व एकेडमी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल गर्व एकेडमी में। और गर्व एकेडमी में मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ एक से बढ़कर एक एजुकेशनल वीडियोस और ढेर सारी एजुकेशनल खबरें सबसे पहले आप तक। तो दोस्तों अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल अपडेट्स पर बेल बटन को पुश करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। दोस्तों चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के आप ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जीके करंट अफेयर्स रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं और खुद को लगातार अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। अभी 69,000 भर्ती के लिए एनओसी न देने के सरकार के फैसले पर माननीय उच्च न्यायालय ने लगाया है प्रश्न चिन्ह। याची को काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया गया है। देखिए ये पूरी खबर क्या है हम आपको बताते हैं, और इससे क्या प्रभाव 69,000 शिक्षक भर्ती में पड़ने वाला है उसके बारे में भी हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यायालय ने ये पूछा कि किस आधार पर आप अभ्यर्थी को काउंसलिंग से रोक रहे हैं। तो सरकारी वकील ऐसा कोई भी नियम या कानून कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाए। जब सरकारी वकील से पूछा गया कि 68,500 में चयनित जो शिक्षक हैं अगर वो 69,000 भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं, तो आप उन्हें एनओसी कौन सा ऐसा नियम है जिसके आधार पर आप उन्हें एनओसी नहीं दे रहे हैं। तो सरकारी वकील कोई भी नियम और कानून नहीं प्रस्तुत कर पाए हैं कोर्ट में, और इस कारण कोर्ट ने आदेश दिया है। ये फैसला देखिए मोहम्मद शारिफ जिलानी एंड अदर्स ये पटिशनर्स थे, और इन पर ऑनरेबल रंजन राय जिन्हें निर्णय दिया है, और इन्होंने कहा है कि लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर एंड द बोर्ड है नॉट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच द पेटिशनर हु इज वर्किंग एज असिस्टेंट टीचर एट बहराइच कुड बी प्रिवेंटेड बाई द स्टेट और इट्स अथॉरिटीज फ्रॉम अपियरिंग इन द काउंसलिंग फॉर सेलेक्शन टू द सेम पोस्ट इन अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों साफ साफ कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर आप यहाँ पर सरकार की तरफ से सरकारी वकील कोई भी ऐसा रूल या कोई भी ऐसी जियो गवर्नमेंट ऑर्डर कुछ भी वो नहीं रख पाए हैं वहाँ पर, और इस बिहाफ पे फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बहराइच के ये जो 68,500 में चयनित शिक्षक हैं इनकी काउंसलिंग करवाई जाए 69,000 में भी। तो दोस्तों बहुत बड़ा एक ही ऑर्डर है, और इससे मेरिट में निसंदेह प्रभाव पड़ेगा। अगर 10,000 से 15,000 शिक्षक जो 68,500 में चयनित हैं अगर वो अप्लाई करते हैं काउंसलिंग के टाइम में, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट बहुत ऊपर जाएगी। लगातार अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, पद 69,000 ही हैं लेकिन दावेदार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस आधार पर मेरिट तो हाई जाएगी। और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर आप आसपास के जिलों में चयनित हुए हैं तो हो सकता है कि आपका चयन अब आसपास के चयन जिलों में न होकर के आपको दूर दराज जाना पड़े जहाँ पर मेरिट कम जाए, थोड़ा लो जाए, डाउन जाए। तो कहने का ये मतलब है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इस भर्ती को प्रभावित कर रही हैं। फिर भी आप सभी से अनुरोध है कि अपना धीरज बना कर रखें, अपना पेशेंस मत खोएं, और निसंदेह सभी के साथ अच्छा होगा। इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।